गाइस, वेलकम टू मानसिक कनाडा। आज हम आए एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे, हम आपको दिखाएंगे। और हम हैं एक नए बंदे के साथ, दो नए बंदे, न्यू इमिग्रेंट्स। तो इनसे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि इनसे इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा गया है। तो ये दोनों अभी के अभी आया, ये मेन इंटेक में आए दोनों के दोनों। भाई अपने नेपाल से आए और दूसरा भाई दिल्ली से आया। तो भाई सबसे पहले बताओ कनाडा कैसा लगा? देख ही रहे हो, पीछे देखो भाई, देखो आते ही इनको चेरी बीच आने का मौका मिल गया। भाई शाम के 8 बजे हम यहाँ पे आए, तभी देखो कितनी अच्छी लाइट है। तो भाई तुम्हें कनाडा कैसा लग रहा है आकर? अच्छा। कैसा लग रहा है? नेपाल में क्या था और यहाँ पर क्या है, क्या आप मिस कर रहे हो और यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है? फैमिली को तो भाई हर कोई मिस करता ही है। तो भाई अभी हमारे साथ ही रुके हैं और अरे अरे कोई बात नहीं भाई। अरे सबसे पहले ये बताओ भाई, इमिग्रेशन में जब तुम कनाडा में उतरे थे तो सबसे पहले तुम्हें कैसा लगा एयरपोर्ट से बाहर आते ही? एयरपोर्ट से मैं मॉन्ट्रियल में ले हुआ था मेरा। अच्छा, कनाडा की हवा तो मॉन्ट्रियल में जा उतर के ली थी मैंने। अच्छा, लेवर था, बीच बीच में 5 मिनट ज्यादा था, वॉक करके आता था, ठंड लगती थी, वापस अंदर घुस जाता था। बाकी मेरा इमिग्रेशन भी मॉन्ट्रियल पे ही हुआ था। मॉन्ट्रियल में हो गया था क्योंकि वो लेवर था, लेवर वहीं पे था मेरा। अच्छा, फाइनल स्टेशन पे नहीं होता? नहीं, कनाडा पे जहाँ पे आप आए हो उसके आगे तो, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट थी ना। अच्छा, तो मेरा वहीं पे हुआ था। और इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मतलब लाइन में जितना टाइम लगा था वो लगा था, बाकी कुछ पूछा तो नहीं था, बस डॉक्यूमेंट्स मांगे, दिखाए, आगे भेज दिया। और भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सेम, कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बस दो तीन बंदे को इधर उधर, दो तीन बंदे को दिक्कत हुआ था, पर ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं। नहीं तो क्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे? कुछ कोर्स की ड्यूरेशन पूछी, क्या कोर्स है? कोर्स के कॉलेज के पेज पे लॉगिन करने को भी बोला। अच्छा, उन्होंने बोला कि लॉगिन करके दिखाओ? हाँ, तो गाइज अपना आईडी पासवर्ड वगैरह एजेंट से ले लेना कि तुम्हारा स्टूडेंट पोर्टल खोल के दिखा सको, है ना। एक जने को अटका रखा था मेरी बारी पे, उसकी कोई फीस की कोई दिक्कत आई थी कि फीस का प्रूफ नहीं था। फीस रिसिप्ट भी चाहिए, फीस रिसिप्ट तो मांगी थी, फीस कैसे पे करिए उसका प्रूफ भी मांग रहे। मेरे टाइम पे जब मैं आया था तो यहाँ पर एक लड़का था, उसके साथ क्या हुआ, उससे कुछ पूछा क्वेश्चन। अच्छा, उसने जवाब को छोड़ दिया। हाँ, जैसे कि उनसे उससे उसका नाम पूछा और उसने बोल दिया कि आई एम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, तो उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि यार ये कुछ ना कुछ करके। उससे और ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो पता चला कि उसको इंग्लिश ही नहीं आती थी, पता नहीं वो कैसे यहाँ पर आ गया। तो बेसिक क्वेश्चंस तो आपको याद होने चाहिए, जैसे तो फिर इमिग्रेशन क्लियर हुआ उसका? नहीं, किसी मेरे सामने तो किसी रूम में लेके चले गए उसे, अलग कर तो दिया ही होगा यार, नहीं पता नहीं क्या हुआ। तो बेसिक क्वेश्चंस तो अपने कॉलेज के बारे में, अपना कोर्स या फिर कितने सब्जेक्ट्स है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अरे अपने बारे में पूछ रहे हैं, वही नहीं पता तुम्हें तो तुम आके क्या करोगे? अब क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल रिलाय करते हैं एजेंट्स के ऊपर, तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कोर्स डिटेल्स आपको भी पता होने चाहिए आपसे, क्योंकि कुछ भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम उसकी भी एक वीडियो बना के डाल देंगे। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट नीचे अटैच कर देता हूँ जो आपको लेके आनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे होते हैं। क्योंकि जब मैं आया था हमसे सिर्फ अपने कॉलेज का फीस रिसीप्ट, LOA वगैरह लगा के। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जब हम आए थे तो हमसे अराइव कनाडा, अराइव कैन ऐप के बारे में हम लॉगिन किया था और सब कुछ किया था। अराइव कैन ऐप से प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि बस तुम्हें वहीं पे जाके दिखा देना है और एंट्री हो जाती है, वरना तुम्हें वहाँ पे बैठ के फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी 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 आपसे मांगा है अराइव कैन ऐप का कुछ मांगा था? कुछ आपने डाउनलोड नहीं किया था राइट? एयरपोर्ट पे थोड़ा सा टाइम बचाने तो आप कर सकते हो, और वो भी मेरे ख्याल से कोविड से पहले, कोविड से पहले था, कोविड के टाइम पे था, अभी तो मेरे ख्याल मेरे मेरे टाइम पे भी था, अभी मैं भी दिसंबर की बात कर रहा हूं। KLM में नहीं आना, KLM एयरलाइंस में। अच्छा, क्यों क्यों? वो लगेज 2-3 दिन बाद घर पहुंचा देंगे। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 2-3 दिन बाद घर लगेज आएगा। तो भाई ये इस एयरलाइन में तो बिल्कुल मत आना। मैं एयर कनाडा में आया था और इतनी बेकार फ्लाइट, पीछे बैठा हुआ था और मैंने सिलेक्ट करा हुआ था वेज हिंदू मीट, और मेरे को उन्होंने सर्व कर दिया बीफ, और मैंने बोला तो वो मना करते कि यही है बस। नहीं, अच्छा, नहीं, मैं तो भाई गलत, मैं तो एयर फ्रांस में आया था और खाना इतना बेकार। मेरा तो भाई एयर कनाडा था, मैं बैठा हुआ था तो मेरी स्क्रीन नहीं चल रही थी, बाकी सब मूवी देख रहे आराम से, मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा, पूरे फ्लाइट में मैं ऐसे बैठा हुआ था भाई पीछे एकदम बोर हो के। मेरी डोमेस्टिक वाली जो थी वो एयर कनाडा थी, और जो इंटरनेशनल थी वो टर्किश एयरलाइन, दो एयरलाइन थी, टर्किश एयरलाइंस और एयर कनाडा, मॉन्ट्रियल टू टोरंटो एयर कनाडा। अच्छा, वैसे आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है भाई, दिल्ली के पोल्यूशन से बाहर आकर? पोल्यूशन के मामले में तो सही है, बाकी क्या करेंगे इतनी साफ हवा का, जब घर में बैठ के बैठना ही होता है, ठंड होती है इतनी बाहर तो निकल नहीं पाते, ये भी चक्कर है। क्योंकि मैं जब आया था पहली बार अंदर तो दिल्ली में रहता था ना, तो जैसे अभी तू अंदर तो कर ले पहले
अंदर कर ले अपना। तो मैं बाहर आया फ्लाइट से बाहर आते ही, वैसे बाहर आते ही जो एकदम से फ्रेश हवा आई ना, मेरे नाक में जलन सी होने लग गई, आदत ही नहीं थी यहाँ पे इतनी अच्छी हवा है। अंदर तक महसूस होती है। हाँ, एकदम रिफ्रेशिंग जाते हुए लगता है कि हाँ भाई हवा जा रही है। तो एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि काफ़ी लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ वहाँ पे सर्विस कनाडा जाते हैं ताकि सिन नंबर मिल जाए, तो कुछ को यहीं से मिल गया था एयरपोर्ट से। मुझे तो एयरपोर्ट से मिल गया था, वहाँ पर तो मतलब 2 मिनट का प्रोसेस था, क्योंकि जिस टाइम पे मैं आया था तो यहाँ पर टोरंटो में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी, तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। मैं आया था पेरिस से यहाँ पर, तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और सिर्फ एक मेरी फ्लाइट थी जो आई थी, मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 फ्लाइट्स यहाँ पर इधर आई थी टोरंटो में। अच्छा, तो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस था मेरे लिए, तो दो मैं बस गया, लाइन भी नहीं थी, पहले ही बंदा मैं था, मेरे पीछे 4-5 जने लगे थे। अच्छा, तो मेरे तो बस 2 मिनट लगे थे। बाकी आपका भी भाई, यहाँ पर काफी बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता कि एयरपोर्ट में भी सिन नंबर मिल जाता है। अब मैं आया था, मैंने मॉन्ट्रियल पे भी ढूंढा था, मेरे को वहाँ भी कोई नहीं मिला था सर्विस कनाडा का, मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला था। टोरंटो पे भी मैंने देखा था इधर उधर, बट वहाँ भी मेरे को नहीं मिला। सिम वगैरह मिल रहा था, मॉन्ट्रियल पे भी सिम मिल रहे थे, बट सिम नंबर नहीं मिल रहा। वो फ्लाइट के टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है सर्विस कनाडा का, वर्किंग आवर्स भी। एक मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग की थी, तो इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपकी फ्लाइट अगर उनके वर्किंग आवर्स में नहीं है तो फिर वो खुला भी नहीं होगा। और आपको पता, मेरे को बैंक CIBC का भी मेरे को आउटलेट मिल गया था टोरंटो पे, तो वहीं से अकाउंट भी खोल लिया। वो GIC एक्टिवेट करवाने को कह रहे थे कि यहाँ पे हो जाएगा आपका अकाउंट एक्टिवेट, बट आपकी होम ब्रांच ही होगी, तो मेरे को था कि होम ब्रांच कभी विजिट करनी पड़े तो एयरपोर्ट आना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से नहीं करवाया था। बाकी सर्विस कनाडा मेरे को नहीं मिला। तो गाइज, आपको इस वीडियो में तो पता चली गया आपको सीन नंबर कहाँ से लेना है, आपको एयरपोर्ट से मिल सकता है, बाकी अपने सारे कोर्स का जो डिटेल है वो आपको पता होना चाहिए इमिग्रेशन के अगर ऑफिसर पूछता है, और इंग्लिश भी आनी चाहिए, और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है वो, ऐसा कुछ हर किसी से पूछते नहीं है, लेकिन आप अगर बहुत डर डर के बात करोगे तो वो पूछ लेते हैं। हाँ। क्योंकि एक आधी लोग होते हैं जो रूड होते हैं, थोड़ी मुंह पे भी देख के बात नहीं करते, जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे, आपको बस अपने कोर्स का सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको मतलब अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए कि कौन से कोर्स के ला रहे हो, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, और कोर्स ड्यूरेशन पूछ लेते हैं, और फीस का रिसिप्ट तो ऑब्वियसली आप सारे डॉक्यूमेंट में रखोगे। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मानसिक कनाडा को। हम अपनी सारी हम ये सारी वीडियो बनाते हैं किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। गाइस, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। वंश का भूत आ गया भाई, अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम भी वंश है। हाँ, इसका नाम भी बता दो भाई। सिस्मनी है भाई, सिक्स्थ मनी। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।